नकली हृदय कैसे काम करता है। कहते हैं कि टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता, पर दोस्तों ये सारी फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में टूटा हुआ दिल तो छोड़िए, खराब हो चुका दिल भी रिप्लेस किया जा सकता है। ये बात सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि नकली दिल लगाकर भी इंसानों को जिंदा रखा जा सकता है। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे है, और जब नकली दिल लगाने के लिए असली दिल को शरीर से निकाला जाता है तो उस समय इंसान कैसे जिंदा रहता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो में इसी तरह चिपक कर बैठे रहिए। आज आपको मेडिकल साइंस में एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिलेंगे, लेकिन जब बात आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि नकली दिल की आती है तो विज्ञान के इस चमत्कार की वजह से लोगों को नई जिंदगियां मिल रही हैं। क्योंकि आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, यहां तक कि 30 साल की उम्र वाले लोग भी हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से मर रहे हैं, और कई बार तो प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। यदि किसी एक्सीडेंट या फिर बीमारी की वजह से आपका हार्ट फेल हो जाए तो इस कंडीशन में एक ही उपाय बचता है, और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट का। पर दोस्तों सही समय पर सही डोनर का मिलना पहाड़ में चींटी खोजने के बराबर है, क्योंकि एक तो डोनर मिलना मुश्किल है, और अगर डोनर मिल भी गया तो उससे मरीज का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। ऐसे में जब तक किसी मरीज को कोई डोनर नहीं मिल जाता तब तक उसकी समस्या के समाधान के रूप में आर्टिफिशियल हार्ट उसके शरीर में लगा दिया जाता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये नकली दिल काम कैसे करता है, क्या ये हमारे असली दिल की तरह होता है या फिर इसकी फंक्शनिंग अलग होती है। दोस्तों अगर हम आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में बात करें तो इसे VAD यानी वर्टिकुलर असिस्ट डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। ये एक तरह का पंप होता है जिसके जरिए दिल के नीचे के चैम्बर से खून शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। जब दिल को जिंदा रखने का कोई और विकल्प नहीं बचता तो ऐसी स्थिति में इसी आर्टिफिशियल हार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रोग के असली हार्ट के डायफ्राम के नीचे लगाया जाता है। दोस्तों इस आर्टिफिशियल हार्ट को दिल के दाहिने या बाएं या फिर दोनों भागों में लगाया जा सकता है। असल में डिवाइस पंप की तरह काम करता है जो दिल के बाएं हिस्से से ब्लड को खींचकर बाहर निकाल देता है, जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है। इसे केबल के माध्यम से एक्सटर्नल पोर्टेबल सिस्टम से जोड़ा जाता है, जिसके लिए पेट में चीरा लगाकर यानी कि कट लगाकर केबल निकाली जाती है। आपको बता दें ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है ना, ये एक बैटरी और एक कंट्रोलर होता है, जिसकी वजह से मरीज को एक बैग उठाकर रखना पड़ता है जिसमें ये एक्सटर्नल डिवाइस रखी जाती है। क्योंकि भले ही ये नकली दिल बिल्कुल असली दिल की तरह काम करता है, लेकिन है तो ये एक मशीन ही ना, जिसका समय समय पर चार्ज होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल हार्ट को सही से काम कराने के लिए समय समय पर बैटरी बदलना बहुत जरूरी होता है। आज तो आर्टिफिशियल हार्ट वाली ये सर्जरी पूरी तरह से सफल है, और बहुत से लोग सालों से नकली दिल के सहारे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से उन्हें कोई डोनर नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए नकली दिल का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें भली थोड़ी तकलीफ होती है, अपने साथ बैग लेकर चलना पड़ता है, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि जब आर्टिफिशियल हार्ट का कॉन्सेप्ट लोगों को सामने आया तो किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो सर्जरी को परफॉर्म करवाना चाहते थे, क्योंकि सबको लगा कि ये फेल हो जाएगी। आज हम परिणाम देख सकते हैं कि किस तरह इसने लोगों को एक नई जिंदगी दी है। अब दोस्तों अगर हम हृदय या मतलब दिल की बात करें तो ये हमारे शरीर का वो अंग है जो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है, जो एक मिनट में करीब 70 बार धड़कता है। लेकिन एक पल के लिए भी अगर दिल की धड़कनें बंद हो जाएं तो इंसान का अंत सामने आ जाता है। वैसे दोस्तों हम अपने दिल को कई तरह की चीजों के लिए बदनाम कर देते हैं, जैसे कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है या मेरे दिल में उसके लिए नफरत है वगैरह वगैरह। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे दिल यानी कि हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं होती। इसका असली काम सिर्फ और सिर्फ खून को साफ करके उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। ऐसे में अगर कोई इंसान कुछ भी गलत करता है या फिर कोई बहुत अच्छा है तो इसका उसके दिल से कोई लेना देना नहीं है। इंसान की जितनी भी भावनाएं होती हैं वो उसके दिमाग से कनेक्टेड होती हैं, जिसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन आज ये जानना तो हम सभी का हक है ना कि आखिर हमें जिंदा रखने वाला हमारा ये दिल काम कैसे करता है। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिले हुए ब्लड को अपनी तरफ लाकर उसे ऑक्सीडाइज करता है। और जब ये ऑक्सीडाइज ब्लड शरीर के अंदर फैलता है तो शरीर में मौजूद कोशिकाओं को नई जिंदगी मिलती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हमारा दिल बिना ऑक्सीजन वाले खून में ऑक्सीजन डालकर उसे पूरे शरीर तक पहुंचाता है,
ताकि शरीर के हर एक अंग में मौजूद कोशिकाओं को एनर्जी मिल सके और वो सही से काम कर सके। दोस्तों, ये जो हमारा हृदय लगातार बिना रुके धड़कता रहता ना, ये उसके अंदर मौजूद चार खाली चैम्बर की वजह से होता है। दोस्तों, ये चारों चैम्बर दिल के बहुत ही खास हिस्से होते हैं। अगर आप इन तस्वीरों में देखें तो आपको चैम्बर दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर के छोटे भाग को एट्रियम कहते हैं, जहां राइट एट्रियम और दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम होता है, और नीचे का जो छोटा सा चैम्बर होता है ना, उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। यही चार चैम्बर हृदय से ब्लड को लाने और ले जाने का काम करते हैं। हमारे पूरे शरीर में पाइप की तरह कोशिकाएं होती हैं, जिसे ब्लड वेसल्स भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हृदय से ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड हमारे शरीर के निचले हिस्से से आता है और नलिकाएं हृदय में ऊपर की ओर आती हैं, जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से खून को हार्ट तक ले जाती हैं। दोस्तों, हृदय तक खून को ले जाने वाली नसों को वेंस कहा जाता है, और हृदय से हो चुके ऑक्सीजनेटेड और हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का काम आर्टरीज का होता है। आइए अब देखते हैं कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे हृदय में आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। वेंस बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करने का काम करती हैं और फिर उसे राइट एट्रियम पर गिराती हैं, जो ब्लू रंग में दिखाई दे रहा है। ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो राइट एट्रियम में जाता है, और जब ये पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है तो उसे नीचे वाले चैम्बर में भेज दिया जाता है। नीचे वाले चैम्बर में ब्लड को ले जाने के लिए वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व तब तक बंद रहते हैं जब तक नीचे वाला दायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने ना लगे, और जब ब्लड ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में जाता है, तब ब्लड दिल की धड़कनों की वजह से पल्मोनरी वेंस में आ जाता है, और पल्मोनरी वेंस से ब्लड फेफड़ों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि फेफड़ों में ताजा ऑक्सीजन मिलती है, और वहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ाता है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसका रंग थोड़ा लाल हो जाता है। इसी पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े से हृदय की तरफ जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से खून हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है। जब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हृदय की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ गिरता है। इसके नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक नहीं गिरता जब तक कि वो पूरी तरह से फिल नहीं हो जाता। दोस्तों, नीचे वाला बाएं वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजन सहित एक नली में जाता है, जिसे ऑर्टा कहा जाता है, और इसी की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि शरीर की सभी छोटी बड़ी नशे इसी में आकर मिलते हैं, और फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में खून पहुंचता है और हम जिंदा रहते हैं। यानी कि हम इंसानों के जिंदा रहने के पीछे हमारे दिल का एक बहुत बड़ा हाथ है। यही वजह है कि अगर हमारा दिल एक सेकंड के लिए भी धड़कना बंद कर दे तो हमारी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तो हम इंसानों के शरीर का हर एक हिस्सा अपने आप में ही बिल्कुल अनोखा होता है, जिसकी फंक्शनिंग भी बहुत अलग होती है, लेकिन शरीर के किसी एक हिस्से के डैमेज होने पर इंसान कुछ समय के लिए मैनेज कर सकता है, लेकिन जब बात दिल की आती है तो इससे जुड़ी कोई भी खराबी इंसान को डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचा देती है। ऐसे में जो हमारे हृदय का पूरा प्रोसेस होता है वो अगर रुक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आज लोगों को जिंदा रखने के मकसद से उनके शरीर में नकली दिल फिट किए जाते हैं, जो उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।